अफजलगढ़ क्षेत्र के राशन डीलरों में उस वक्त हड़कंप समझ गया जब खुद को लखनऊ से आई टीम बताकर कुछ लोगों ने राशन डीलर्स को डराना धमकाना शुरू कर दिया और डीलर से अवैध वसूली करने लगे। डीलर से अवैध वसूली कर रहे ये लोग एक हुटर और सत्ताधारी पार्टी की झंडी लगी सफेद इनोवा कार में घूम रहे थे, जिस पर खाद्य एवं रसद आवश्यक वस्तु निगम के राज्य मंत्री प्रतिनिधि की नेम प्लेट भी लगी थी। गाड़ी से पहुंची इस टीम ने अफजलगढ़ क्षेत्र के कई गांव में राशन डीलरों की दुकानों पर जाकर उन्हें कार्यवाही के नाम पर डराना धमकाना शुरू कर दिया और उसके बाद उनसे अवैध वसूली करने लगे। अच्छा, क्या मामला है, क्या कौन लोग आए थे, क्या हुआ? ये तो भाइयों ने बताया कि बाहर निकला उसे टीम आ रखी है जांच करने के लिए जी। और इन्होंने मुझसे ताली मालूम करी कि भाई ताली आपके पास है? मैंने कहा हाँ है मेरे पास। मैंने सोचा कि कागज हुआ देख रहे हो कभी, फिर मैंने इनसे मालूम करा फ़ोन पे, कहा कि मतलब ऐसा है कि ताली आप दुकान की मांग रहे हैं या मतलब संदूक उसकी मतलब कागजों की? वो बोले कि हमें दुकान की चाहिए। मैंने इसको घर पे मिलेगी लड़की दे दी, ताला खुलवाया भाई से, फिर उन्होंने कट्टे वट्टे चेक करे, फिर बोर्ड ब्लॉक बोर्ड देखा, उसका फ़ोटो लिया उन्होंने बाकायदे बोर्ड का। अच्छा, कितने लोग थे और क्या क्या कह रहे थे, कहाँ से आए हैं? नखलाऊ से बता रहे थे कि नखलाऊ से टीम आई हुई है हमारी। कितने पैसों की डिमांड की? भाई मुझसे भी डिमांड तो कोई नहीं की, मैं तो क्योंकि यहीं था, मैं धामपुरी उस टाइम। घर वालों से की? घर वालों से भी नहीं की, भाई से पता। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि ये लोग फर्जी हैं? मतलब फर्जी ऐसा नहीं, मुझको फ़ोन जब आया तो मैंने अफजलगढ़ में जो तेल वाले हैं उन्हें फ़ोन लगाया, फिर इंस्पेक्टर साहब को मैंने फ़ोन लगाया, मैंने जी कोई जा चाहिए क्या, इनका फ़ोन लगा नहीं। तो मैंने जुनेद को फ़ोन करा, जुनेद ने कहा कि भाई ऐसे तो कोई मामला था ही नहीं, अगर होता तो हमें पता लगता। लोगों के पूछने पर ये लोग खुद को लखनऊ से आई टीम बताकर रॉब गालिब कर रहे थे। पीड़ितों की माने तो इस टीम के एक शख्स के पास बंदूक भी थी जो खुद को राज्य मंत्री प्रतिनिधि का गनर बता रहा था। क्या मामला है? इंदर सिंह, गांव तुरतपुर का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ पे आज शाम करीबन 4 बजे करीब एक गाड़ी आई है जिसके आगे लिखा हुआ था राज्य मंत्री अखिलेश यादव और माननीय मुलायम सिंह की फ़ोटो लगी हुई है। तो वो आके हमसे कह रहे हैं जी हम को अपना कोटा चेकिंग करने वाले आ रहे हैं, तो आप हमें अपने कागज़ चेक कराइए। कागज़ इसलिए हम चेक नहीं करा पाए क्योंकि हमारे जो भैया हैं वो अपना कागज़ लेके धामपुर आए हुए थे, तो ये कह रहे कि आप हमें अपना गोदाम चेक कराइए। हमने हमारे पापा जी हैं इन्होंने गोदाम चेक कराया, तो कह रहे ठीक है आपका गोदाम ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है, और अपना क्या कहते हैं ये पाँच छः लोग हैं। तो उसके बाद हमें करे कि अपना स्टॉक रजिस्टर दिखाइए। हमने अपना स्टॉक रजिस्टर नहीं दिखाया। फिर उसके बाद मैंने इनसे कहा कि ठीक है, मैंने इनसे पूछा आप कहाँ से आए हैं, ये कह रहे कि मैं लखनऊ से आया हूँ सीधा, मुझे इंक्वायरी के लिए भेजा गया है। तो मैंने कहा ठीक है आप ऐसा कीजिए, आप अपना कोई आईडी प्रूफ दिखाइए, कोई जियो वगैरह आपके पास है वो दिखाइए। तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो ये लोग वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं कहा ठीक है आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए कोई। इन्होंने एक हमें कार्ड दिया जो मैंने अभी आपको साहब को दिया है, सर एक गनर है जो सिविल वर्दी में है, उसने मतलब हथियार टांगा हुआ है साइड में। तो आपको कैसे पता चला फर्जी टीम है? आप जब थाने में आए तो क्या कैसे पता चला? हमारे भाई और भाई लोगों ने फ़ोन करके बताया, जो गोल्डी भाई यहाँ पे आए थे इन्होंने हमें फ़ोन करके बताया कि ये फर्जी टीम है, आप फटाफट इसलिए धामपुर थाने में पहुँचिए। और अच्छा, पुलिस ने कहाँ पकड़ा इस टीम को? इस टीम को यही धामपुर भूतपुरी और धामपुर के बीच में पकड़ा गया है। पीड़ितों के माने तो पहले इन लोगों ने डीलर्स को कार्यवाही के नाम पर डराया धमकाया और उसके बाद उनसे 30-30 हजार रुपए की मांग करने लगे, जिनमें से कुछ लोगों से ये लोग 10-10 हजार रुपए अवैध रूप से वसूली भी कर लाए। इन्होंने पैसों की मांग की है घर में आके, तो हमें कह रहे कि हम 3 जगह से पैसे ले आए हैं, आप लोग हमें कम से कम 30 हजार रुपया दीजिए। मेरा नाम कामिंदर सिंह है, आज प्रभात भवन मेरा गाँव है। इन साहब का फोन पहुँचता है कि 2 मिनट के अंदर अंदर दुकान पर पहुँचिएगा। डॉक्टर साहब से दवाई ली, इनके पास पहुँचा, ये अपने ये कागजात दिखाइएगा। अभी DSO साहब को बुलाते हैं, SDM साहब को बुलाते हैं और आपके इंस्पेक्टर साहब को बुलाते हैं। अच्छा जी, यही राज्य मंत्री प्रतिनिधि, उनको भी अगर तो बुला लो तो मैं बोल सकता हूँ। नहीं, आपने उनसे पूछा कि कहाँ से आए हैं वो, तो क्या बताया उन लोगों? इन्होंने बोला कि हम सीधे लखनऊ से आए हैं, आपकी कंप्लेंट है। हाँ जी, और जबकि मैं ये दवाई दिखा रहा हूँ कि मैं मेडिकल पे हूँ, कि मैं दवाई खाना चाहता हूँ, इतने लोग दवाई वाई नहीं खाना,
कितने लोगों की टीम थी? बस ये तो मैं नहीं गिन पाया। अच्छा, फिर आपको कैसे पता लगा कि लोग फर्जी हैं, फर्जी टीम है? मुझे तो फोन किया गया। आपसे पैसों की डिमांड करके? कुछ पैसों की डिमांड की आपसे? पैसों की डिमांड करी इन्होंने 30,000 की। मैं तो साफ कहूँगा 10,000 रुपए ये मुझसे लेके आए जिन्होंने बंदूक डाल दी। दीवान जी बता रहे हैं अपने आप को। दीवान जी जी, टीम पर शक होने के चलते जब कुछ लोगों ने पूर्ति विभाग के अधिकारियों से बात की तो मामला कुछ समझ में आया, लेकिन तब तक ये लोग अफजलगढ़ से निकल चुके थे। अधिकारियों ने इस बाबत धामपुर पुलिस को जानकारी दी तो धामपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इनकी गाड़ी को रोक लिया और आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। मामला अफजलगढ़ क्षेत्र का होने के कारण आरोपियों के खिलाफ अफजलगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बिजनौर पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए राशन डीलर से अवैध वसूली करने वाले इन सभी आरोपियों का चालान कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। खाद्य पूर्ति अधिकारी को सूचना मिली कि 4-5 व्यक्ति जो अवैध रूप से अफजलगढ़ क्षेत्र में वसूली कर रहे हैं, उन्होंने पुलिस के सहयोग से नगीना चौराहे पर धामपुर पर एक इनोवा गाड़ी में सवार 5 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके सहयोग से ये 5 व्यक्ति, एक करनाल और एक धामपुर के रहने वाला है, इनके कब्जे से कुछ पैसे, एक DBBL गन, इनोवा गाड़ी बरामद हुई है। इनके द्वारा अफजलगढ़ क्षेत्र के ग्राम तुरतपुर, अजीमुल्ला नगर और आसफाबाद कोटेदारों की दुकान से, जो राशन की दुकान है, वहां से इनके द्वारा ध्वस दे करके फर्जी तरीके से पैसे की वसूली की जा रही थी और अपने को लखनऊ की टीम और फर्जी अधिकारी बता करके इनसे वसूली की जा रही थी। पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा कायम किया है और उनको गिरफ्तार करके जेल में। इनमें कोई मंत्री का प्रतिनिधि है? नहीं, इसमें कोई प्रतिनिधि नहीं है। इन्होंने फर्जी अधिकारी और इस तरीके से बात करके, फर्जी तरीके से एक घोष दे करके पैसा वसूल रहे थे।